let's start in the next class of management. Second class आप start करते हैं. And last class के अंदर हमने topic कहाँ तक खत्म किया था? Last topic आपका? Frederick Taylor, page number 11. Okay. Then we have to start from page number 12. Okay. Max Werner and Henry Pierre. यही से करना. ओके, मैक्स वेबनर अगेन एक नाम है जो आपको लर्न कर रहे हैं, अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा. एक साथ सारे लिखने मुश्किल होंगे तो ट्राई कीजिए. आप जब जब नाम आते जाएंगे अलग से नोट्स बनाते रहिए. मैक्स वेबनर ने हेनरी प्योर ब्यूरोक्रेट्स एंड कॉर्पोरेशन 1864 को सेट्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम व्हेन प्रमोशन टू प्रोमिनेंट पोजिशन ऑफ अथॉरिटी वॉज बेस्ड ऑन हू यू न्यू. मतलब अप्रोच बेसिस पे आपका प्रमोशन होता था उस टाइम पे. हु यू वर और ट्रेडिशन, मतलब 1960s के अंदर अगर हम पुरानी इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे किस तरीके से प्रमोशन हायरिंग होती थी. आप कौन हो, आप किसको जानते हो, आप किसके बेटे हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, इस बेसिस पे आपको प्रमोशन होता था. उस वक्त इन्होंने एक थ्योरी लेके आया एंड दे सेड ब्यूरोक्रेसी इज द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. मतलब सिंपली मैक्स वेबनर ने कहा था कि आपकी हायरिंग और प्रमोशन किसके बेसिस पे होना चाहिए, कंप्लीटली और मेरिट बेसिस. तो आप लिख सकते हो मैक्स वेबनर के आगे क्या कहा था. मैक्स वेबनर सेड द हायरिंग शुड बी कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. हायरिंग शुड बी कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. मेरिट बेसिस पे कंप्लीटली आपकी हायरिंग होनी चाहिए. इज इट क्लियर? एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर background and not on the basis of your background. Full stop, comma, favoritism should be ignored. फेवरेटिज्म शुड बी इग्नोर. फेवरेटिज्म का मतलब होता है कि मेरे बॉस के फेवरेट में कुछ लोग हैं, बॉस के फेवरेट उन्हीं को प्रमोशन मिलता है, यही होता है. चापलूसी बोला जाता है बेसिकली इसको. फेवरेटिज्म शुड बी इग्नोर मतलब मेरिट बेसिस पे प्रमोशन दीजिए, ना कि चापलूसी बेसिस पे लोगों को प्रमोशन दे. ठीक है. प्रिंसिपल आउटलाइन बिलो वुड गाइड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वर्कर दीजिए ऑफन कंप्लेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंसेस रादर देन रिवॉर्ड फॉर कंप्लायंसेस. मतलब और दीज डेज क्या अभी ये बेसिकली होता ही है. क्या होता है इसमें, वर्कर्स जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, वर्कर्स ऑफन दीज डेज कंप्लेन्स फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंसेस. मतलब वो ये कहते हैं कि सर काम ना करने की वजह से अगर पनिशमेंट मिलती है, वेरेज अगर हम अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड नहीं मिलता. ये होता है, ये फैक्ट है. अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो यू डोंट अप्रिशिएट, बट अगर आपके साथ कोई भी चीज गलत हो गई तो आप श्योरली उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स एंड नेगेटिव रिव्यूज पुश करते हैं. दैट इज द हैबिट, वो हमारी हैबिट है. क्वालिफिकेशन बेस्ड हायरिंग, इन्होंने क्या था, हायरिंग किस बेसिस पे होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड. दैट इज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन. मेरिट बेस्ड चेन ऑफ, ओके पहले दो पढ़ते हैं. क्वालिफिकेशन बेस्ड हायरिंग समझते हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन. मेरिट बेस्ड हायरिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अचीवमेंट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा. चेन ऑफ कमांड क्या कहता है, चेन ऑफ कमांड कहता है ईच जॉब अकर्ड विद इन अ स्ट्रक्चर इन विच ईच पोजीशन रिपोर्टेड इज अकाउंटेबल फॉर हायर पोजीशन. मतलब हर एक आदमी, चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है एवरी पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू समवन. सिंपली हर एक आदमी किसी न किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ मैनेजर आई शुड बी रिपोर्टिंग टू सीनियर मैनेजर. मेरे नीचे टीम है वो मुझे रिपोर्ट करे. उससे होता क्या है, चेन ऑफ कमांड से बेसिकली क्या फायदे नुकसान क्या चीज होते हैं. बेसिकली चेन ऑफ कमांड है अगर तो आपको ये फायदा मिलता है कि हर एक आदमी अकाउंटेबल है,
और क्योंकि हर एक आदमी अकाउंटेबल है, उसकी वजह से वो कभी भी गलत करने से पहले चार बार सोचेगा। ईच ऑर्गन स्ट्रक्चर इन विच ईच पोजिशन रिपोर्ट एंड अकाउंटेबल टू फॉर हायर पोजिशन कंप्लेन प्रोसीजर एंड राइट टू अपील प्रोटेक्ट पीपल इज लोअर पोजिशन। मतलब एक कंप्लेन का प्रोसीजर भी होना चाहिए कि किसी भी आदमी के खिलाफ अगर कंप्लेन करनी तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? टास्क डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी जिसके जो मन में आ रहा है वो काम कर। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ये प्रोडक्शन के लिए लायबल, एक फाइनेंस, एक मार्केटिंग, एक सेल्स और एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इससे होगा कि अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो सबको डांटनी पड़ेगी, उस एक पर्टिकुलर पर्सन को पड़ेगी, और अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो फाइनेंस वाले को पड़ेगी। ये नहीं कि सब कोई कोई भी काम कर रहा है, ना तो वो अकाउंटेबल अपने काम के लिए फिर, क्योंकि वो ये कहेगा मुझे नहीं पता किसने काम किया, मैं नहीं है, पर क्योंकि पांच आदमी मिलकर एक काम कर रहे हैं तो अकाउंटेबल कौन है? मुझे नहीं पता किसने किया, ठीक है, तो पांचों को काम अकाउंटेबल नहीं, गलती कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा, डांट किसको पड़ेगी? सबको पड़ेगी। अगर किस कोई भी गलती हुई पांचों को पड़ेगी, पर गलत कौन है? एक है, चार लोगों को फॉर नो रीजन डांट पड़ रही है, क्या वो सेटिस्फाई होंगे? और इट्स अ पनिशमेंट फॉर देम इवन दो दे आर डूइंग गुड। वेदर यू विल बी एबल टू रिटेन दैट टैलेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, इस सिचुएशन के बाद उस टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोक नहीं सकते, क्योंकि वो चार तो पक्का जाएंगे। इज इट क्लियर? तो क्यों ना अकाउंटेबल बनाओ आप, दैट्स कॉल्ड अ चेन ऑफ कमांड। इम्पार्शियल एप्लीकेशन फॉर रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स, मतलब जो रूल बॉस को लायबल है वही रूल सबोर्डिनेट्स को लायबल है। अगर बॉस को अलाउड है कि आप ऑफिस के अंदर फॉर्मल पहनो तो सबोर्डिनेट्स भी सेम। अगर ऑफिस 10 बजे खुलता है तो मैनेजर 10 बजे आएगा और सबोर्डिनेट भी 10 बजे आएगी। ये भी मैनेजर 4 बजे रिपोर्ट लेने आ गया और बाकी सारे सुबह सुबह 7 बजे या 10 बजे आ रहे हैं, नहीं सर, वो अगर नहीं आएगा तो पीछे कोई काम कुछ भी नहीं करेंगे, बाद में काम नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग राइटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ परमिशन शुड बी राइटिंग, एविडेंस के तौर पर काम है। एंड मैनेजर सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, मतलब ओनर अलग होना चाहिए और जो वन हु इज लुकिंग आफ्टर दैट, मतलब कौन हो गया ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो अलग होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी गलती कभी भी निकाल नहीं सकते और एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई और निकालते। तो मैनेजर और अगर मैनेजर और ओनर अलग है तो ओनर विल सर्टेनली टेक सम डिसीजंस, अगर उसका मैनेजमेंट गलत है तो डिसीजंस देता। इज दैट क्लियर? समझ आ गया मैक्स वेबनर ने क्या बोला? मैक्स वेबनर ने बोला पहली बात, अगर आप पनिशमेंट देते हो रॉन्ग डूइंग के लिए तो रिवॉर्ड दो राइट डूइंग के लिए। प्लस उसने कुछ प्रिंसिपल्स भी सजेस्ट किए, प्रिंसिपल्स में क्या क्या बताया उसने? क्वालिफिकेशन बेस्ड हायरिंग, मेरिट बेस्ड हायरिंग, चेन ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में एक वो भी वर्ड लिख सकते हो, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। देन इम्पार्शियल रूल, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज रिकॉर्ड, एवरीथिंग शुड बी राइटिंग। एंड द लास्ट इज नेक्स्ट स्टार्ट होता है हेनरी फ्योर। हेनरी फ्योर पहले भी पढ़ा आपने, ठीक है। हेनरी फ्योर हु इज नोन एज अ, लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ ये पहले लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम की क्वेश्चन आपके, हु इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लेना ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योर। क्या कहा इसने? He said, since he laid down the theory of general management applicable equally to all kind of administration to all the fields, whether social, etc., Henry Ford started his career in the coal mine engineer 1860 में। उसने coal mine engineer के type में काम शुरू किया। उसने अपनी story बताई है नीचे। फिर उसने वो काम छोड़ के फिर अपना automobile का काम etc. शुरू किया। In the French coal mine, and he was chief executive manager from 1883 to 1918, during which he bought the enterprise from Urch of bankruptcy to high success. वो enterprise में उसने काफी फायदा करवाया। As a manager, he came to conclusion that there was a single administrative science since applicable to all. उसने कहा, administrative एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक ही तरीके का होना। Whether you are Indian or American or a French, administrative work सब जगह एक ही होना, मतलब management सब जगह एक जैसा होता है। In the year 1916, he published his well-known work in the French entitled
जो फ्रेंच वर्क में था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कुछ सालों तक अवेलेबल नहीं था, बट 1929 के अंदर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था। फ्यू हंड्रेड कॉपीज यूके के अंदर आई थी। हमें एग्जाम से पर्पज से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, एग्जाम पर्पज से खाली इतनी सी लाइन है जिसका लेना देना है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। एंड एक और लाइन, वेदर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इज इक्वल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड और नॉट, एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्योर ने आपके इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर को पांच पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर ने आपके इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर को छह पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आप लास्ट क्लास में कर चुके हो। सबसे पहला था टेक्निकल का, उसने डिवाइड किया। दूसरा था कमर्शियल एक्टिव, टेक्निकल में आ गया आपका टेक्नोलॉजी, कमर्शियल एक्टिविटी में सेल मार्केटिंग एक्सेट्रा आ गया, और फाइनेंस एक्टिविटीज में पैसा अरेंज करना और फाइन बजट बनाना, एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं सारे। टेक्निकल में रिसर्च, कमर्शियल में सेल मार्केटिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बजट, फाइनेंस का एक एग्जाम्पल हो सकता है बजट, अकाउंटिंग एक्टिविटीज के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मैनेज करना, सिक्योरिटी एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कॉपीराइट समझते हो, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ये सारा इसमें एग्जाम्पल में। एंड मैनेजरियल एक्टिविटी आपको पता है सारी कौन सी होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजर की एक्टिविटी। द फर्स्ट फाइव आर क्वाइट वेल नोन, पहले पांच तो आपको पता ही कौन से इजी है, बाकी आपका सब्जेक्ट कौन से पे आता है, सिक्स पे आपका सब्जेक्ट है मैनेजरियल एक्टिविटीज। व्हाट अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज वी कैन रेफर टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वही सारे जो आपके मैनेजर के फंक्शन जो आज तक आप पढ़ते हैं वो लास्ट क्लास में पढ़े थे, कौन से, ठीक है। तो हेनरी फ्यूअर ने ऑब्जर्व किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी इंक्रीजेस एज वन गोज अप द इकोनॉमिक्स एंड द मैनेजरियल हायरार्की, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो पोजिशन में वैसे वैसे आपकी मैनेजमेंट की एबिलिटी प्लस एक तो एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है एंड एज वेल एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। एग्री, एक जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा आदमी उसकी कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, ऐसा नहीं है। सिंपल, आपकी एक शॉप है, अगर आपकी शॉप में एक छोटू है प्लस एक मैनेजर या योर फादर और मदर है, है ना, एक दिन छोटू छुट्टी कर सकता है, वेदर ही इज अकाउंटेबल नहीं है नहीं है, हो गया बात खत्म। बट योर ओनर दैट इज योर फादर और मदर, क्या वो ये कह सकते कि नहीं आया नहीं आया, मेरी मर्जी नहीं आया, मैं नहीं जा रहा, दे कैन नॉट से, रीजन दे आर अकाउंटेबल क्योंकि वो उससे सीनियर है। आपकी हायरार्की अगर आपके बिजनेस के अंदर पहला सबसे छोटू दैट इज लोअर लेवल स्टाफ, लेबर, फैक्ट्री में लोअर लेवल स्टाफ है, उसके बाद सुपरवाइजर, मैनेजर एंड मैनेजमेंट, ओनर। अगर लोअर लेवल दैट इज लेबर ना आए, एनी अकाउंटेबिलिटी, सर नहीं आया नहीं आया, ऐसी तो करते छुट्टी कैसे, आया आई एम फीवर टुडे, मेरी मेरे को आज बुखार चढ़ गया मैं नहीं आया, शायद बताए भी ना आपको, वो पता भी आपको इधर आफ्टर योर कॉल या नेक्स्ट डे चलता है आपको पता कि नहीं आया, कोई अकाउंटेबिलिटी क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। दूसरा है आपका मैनेजर, सुपरवाइजर नहीं आते तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट काम रुकता नहीं, मैनेजर थोड़ी और प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको डेलीगेट किए हुए होते कुछ काम और अगर वो नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम्स तो काम रुक जाएगा ना, कॉन्टेक्ट सारे उसके पास है, डीलिंग उसके पास है। फिर होता है मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ही ऑफिस में आ रहा है 20 दिन तक
ओनर जो है वो ध्यान ही नहीं रख रहा है, मैनेजर क्या करेगा? सारे वहां पर पार्टी चल रही है, मैंने कोई भी काम उतना इफेक्टिवली नहीं होगा, शायद शर्म से मैनेजर थोड़ा बहुत करवा दे, बट फिर भी उतना इफेक्टिवली जितना ओनर बैठा उतना नहीं। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्या आपकी एबिलिटी भी बढ़ रही है साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो। पहली बात तो ये कि इफ यू आर एबल तभी आप ऊपर जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, आप एबल नहीं हो तब भी आपको ऊपर पहुंचा दिया, मैंने अप्रोच अप्रोच से लगा दिया, डोंट यू थिंक ऊपर के काम कर रहे हो? ऊपर का मतलब थोड़ा सीनियर लेवल, एबिलिटी चाहिए, चाहे वहां पर आप स्किल्ड काम नहीं कर रहे हो, आप वहां पर चीजें बना नहीं रहे हो मशीन से, आप जस्ट बात कर रहे हो, डू यू स्टिल रिक्वायर टू हैव मोर एबिलिटी? क्या आपको एक्स्ट्रा एबिलिटी की जरूरत है वहां पर? हाँ, वहां पर आपको एक्स्ट्रा एबिलिटी की जरूरत है, ठीक है। तो विद द इंक्रीज ऑफ द हायरार्की योर एबिलिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। नोट बना, तो फ्योर ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल बताए, फ्योर ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बताए, कुछ तो हमने पढ़े हुए कुछ नए। प्रिंसिपल देखिए, पहला प्रिंसिपल फेल ने क्या कहा? फेल ने कहा डिविजन ऑफ वर्क, समझ आता है क्या होता है? काम को जो अभी मैंने बताया अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी उससे। दूसरा फेल ने कहा, चलो आई थिंक ये सबको पता है क्योंकि लास्ट लास्ट में भी किया और वैसे भी पता है, तो लेट्स हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। मैं पूछता हूँ आप बता, आता तो ठीक है नहीं तो सीख लो गया। तो सबसे पहला फ्यूल का कहना था डिवीजन ऑफ वर्क, वो हो गया, चलो डन। सेकंड फ्यूल ने बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिससे पूछो वही बताओ, व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मायने रखता है? वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? फ्योल ने क्या कहा यहाँ पर? और कोई एनीवन एल्स? हाँ, एंड इन एंड होनी चाहिए, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है होनी चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू गिव द रिजल्ट। यही का समझ आता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट व्हाटएवर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव इक्वली आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल इसने बोला डिसिप्लिन, क्या मत मायने रखता है डिसिप्लिन इन प्रिंसिपल्स में? जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है मैनेजमेंट से जोड़ो, जो वर्क आपको मिला है, डिसिप्लिन खाली वो नहीं कि अच्छे कपड़े पहनना टाइम पहनना, नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। डिसिप्लिन का मतलब है वर्क विच इज असाइन टू यू शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, वो आपको करना है, दैट्स डिसिप्लिन। एंश्योर ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स, ठीक है। आपसे जो ऊपर है, आपके जो सीनियर है, उनकी रिस्पेक्ट आप करो, प्लस आपको जो काम दिया गया उसको टाइम से फिनिश करो। एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ आप चाहो तो लिख सकते हो उनको। यूनिटी ऑफ कमांड, हु कैन एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड कौन बता सकता है? लास्ट लास्ट, हाँ वन, माने अगर आपको एक आदमी से ज्यादा से ऑर्डर मिलेंगे कंफ्यूज हो जाओ और कुछ भी ठीक से। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही आदमी बने, क्लियर है? नेक्स्ट
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन मिले और डायरेक्शन एक से, मतलब मैनेजमेंट क्या देता आपको ऑर्डर, डायरेक्शन कौन देता है, मे बी आपको मैनेजर भी दे सकता है डायरेक्शन, मैनेजमेंट ऑर्डर देता है, एक आदमी दे रहा है, प्लस आपको डायरेक्शन कौन दे रहा है, या तो मैनेजमेंट देता है और थोड़ा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरेक्शन कौन देता है, मैनेजर समवन एल्स, ठीक है। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना देखें आप, ग्रुप इंटरेस्ट, जैसे क्रिकेट की टीम में क्या होता है, आप पूरी टीम के लिए खेले ना कि आप अपने गोल बनाने के लिए खेले, राइट। ओके, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन, इतनी होनी चाहिए और इतनी देनी चाहिए, पहला मैं इतनी दूंगा कि आप छोड़ के ना जाओ, और आप इतनी लोगे कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ, पढ़ा था ना ये वर्ड, एम्प्लॉयर पेज दैट मच रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय सो दैट ही वोंट क्विट, है ना, एन एम्प्लॉय टेक दैट मच रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय कितने एक्सपेक्ट करता है वो अपने काम के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि वो छोड़ेगा नहीं, और एम्प्लॉयर कितनी देते हैं कि जितनी आप छोड़ के ना जाओ, एक बैलेंस होना चाहिए काम और पैसे में, ना तो इतना ज्यादा पैसा दो और ना ही इतना कम दो, एक बैलेंस रखो आप। देन सेंट्रलाइजेशन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट शुड डिसाइड एंड एक्सटेंड व्हिच अथॉरिटी टू बी डिस्पर्स टू द सेंट्रलाइज्ड रिटेन विद हायर लेवल, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हायर को कितनी रखनी है और लोअर को कितनी रखनी है। देन स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, वर्क शुड बी कनेक्टेड, एक आदमी अकेला पूरा काम, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे रिव्यू करने के लिए ये भी बैठा है और ये भी है, एक आदमी रिव्यू करने के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक आदमी तो गलत भी कर सकता है, आई माइट हैव अ सेटिंग विद दैट पर्सन, ठीक है, तो उस केस में क्या हो, एक से ज्यादा आदमी आपके काम को रिव्यू करे। इट रेफर्स द सुपीरियर सपोर्ट रिलेशनशिप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी शॉर्ट सर्किटेड एंड नॉट टू बी कैरी टू द एक्सटेंट दैट इट प्रूव्स डिट्रिमेंटल टू द बिजनेस, मतलब इतना भी नहीं हो कि एक आदमी के काम को चार चार देख रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं आ पा रहा है, कुछ तो आदमी आपने खाली सुपरवाइज करने के लिए रख लिए, सुपरवाइजर ज्यादा है लेबर का, एक लेबर पे चार चार सुपरवाइजर, ऐसा भी नहीं करता, लिमिटेड होने से सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल 9th 10th उन्होंने का इक्विटी, मतलब जो रूल्स है, रूल्स जो है वो मैनेजमेंट मस्ट हैव अ डिजायर फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी फॉर ट्रीटमेंट बाय डीलिंग विद द पीपल, इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस इन द मैनेजर, मतलब जो थोड़ी देर पहले बताया था, जो रूल मेरे ऊपर एप्लीकेबल है वही आप पे, और अगर एप्लीकेबल मेरे और आपके सेम नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल कि ओनर भी सेम टाइम ऑफिस आए, अगर माइट ही माइट नॉट कम एट द सेम टाइम, अगर आपकी दुकान पे या फैक्ट्री में सफाई हो रही है सुबह 7 बजे तो ओनर जरूरी नहीं है ना उस टाइम पे है, इफ दैट नॉट पॉसिबल एटलीस्ट ओनर सब जो है उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए कि सारे ओनर एक ही जैसा एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, दो ओनर है एक को गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है एक को सही, 10 लेबर 10 में से एक को फेवरेटिज्म मिल रहा है बिकॉज वो चापलूसी करता है वो सब। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब ये नहीं कि रोज शाम धमकी मिलती है निकाल दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट thinking out of the execution of la esprit de corps, मतलब the principal emphasis need to think work and the importance of communication should be, कोई सवाल है यहाँ तक, तो the principal learn, next आता है contribution of behaviorist, sociologist and psychologist in our management, हमने काफी सारे authors के नाम अभी तक कर लिए, ठीक है, तो first second chapter के अंदर authors के बहुत सारे नाम है, specially first में बहुत है, और दो क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपके यहाँ, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिस्ट सोशलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिस्ट साइंटिस्ट टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट 1928-32 वेयर कंडक्ट बाय द एल्टन मायो, नाम याद करना पड़ेगा एक बार फिर से, एल्टन मायो नाम याद करना पड़ेगा।
कंडक्ट बाय एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट. तो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी किसने डेवलप की? एल्टन मायो. लिख लेना एक बार, थ्योरी ऑफ बिहेवियर एल्टन मायो. एंड इट इज कंसर्न विद बिहेवियर. किससे कंसर्न होता है? ह्यूमन. इट इज कंसर्न विद ह्यूमन. एल्टन मायो ने बिहेवियर थ्योरी के अंदर किस चीज पे एम्फसाइज किया? ही एम्फसाइज ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन. ही एम्फसाइज ऑन द ह्यूमन रिलेशनशिप. ही एम्फसाइज ऑन द इनफॉर्मल ग्रुप. ही एम्फसाइज ऑन द इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन. एम्प्लॉयज मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल, बिहेवियर अप्रोच. मैनेजमेंट हैज ड्रॉन अटेंशन टू वाइड रेंज ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल फिनोमेना लाइक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. डायनेमिक मतलब बदलाव. कीप ऑन चेंजिंग बिहेवियर. ग्रुप डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट चेंज इन टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. तो बेसिकली इसमें लर्न करने वाला क्या था? एल्टन मायो मेड अ थ्योरी ऑफ बिहेवियर हुज मेन फोकस वाज ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. क्लियर? Psychologist and the sociologist have made a significant contribution to the behavior school of thought. Psychologist A.H. Maslow, McGeorge Levitt, ये नाम याद नहीं करने हैं. आप एक बार देख लो क्योंकि आगे फिर से आएंगे. Herzberg की थ्योरी पढ़ी है ना आपने? Herzberg की थ्योरी, Maslow की थ्योरी, थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी ऑफ नीड पढ़ा है. हाँ वो आएगा. ठीक है. Maslow थ्योरी, जॉर्ज लेविट, चर्स, Herzberg, मैक्सेल, सोशलिस्ट लाइक बैक, डबिन, केट्स, ये सारे आप पढ़ोगे तो अभी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं. ठीक है, जहाँ जो जरूरत है मैं बता रहा हूँ. थ्रू देयर रिसर्च फाइंडिंग हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट. सो इससे अभी कुछ नहीं करना है. अभी आपको पढ़ना था एल्टन मायो बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच. सिस्टम कैसे काम करता है? ऐसे करता है. हाउ डज द सिस्टम वर्क? You put certain land, labor, capital, entrepreneurs डालते हो आप उसमें सिस्टम में. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर. उसको वो उस पैसे से, रॉ मटेरियल से और इंसान के दिमाग से वो उसको बनाता है और मैनेजमेंट उसको, एंटरप्रेन्योर उसको सेल करता है. तो वो आउटपुट बना. यह काम फिनिश हो जाता था पहले. आज से पहले जब 12th तक पढ़ते तो इतना ही था. अब एक नई चीज जुड़ गई क्या? फीडबैक जरूर लो हर चीज का, सो दैट यू कैन इंप्रूव. द सिस्टम अप्रोच डिफाइन द सिस्टम एज टू सेट ऑफ इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज इन अ मैनर दैट प्रोड्यूस अ यूनिफाइड होल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट with and not influenced by the environment in which operates. Closed system ko bahar ke environment se, competition se. In the closed system, they don't consider competition. Likh lo. In the closed system, they don't consider competition. Whereas in the open system, they consider external factors. तो तीन चीजें देखिए आपने. इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन को थ्रूपुट भी बोला जाता है. थ्रूपुट, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट. कई लोग WIP भी बोलते हैं. इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट. तो व्हाट आर इनपुट्स, व्हाट आर आउटपुट्स एंड व्हाट आर द थ्रूपुट्स? प्रोसेस क्या है उनका? सबसे पहले इनपुट्स तो यही है. ठीक है, आउटपुट या तो प्रोडक्ट बनता है, गुड्स या सर्विसेज, या फिर उससे होता है कि आपका पर्पस प्रॉफिट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग हो सकती है एंड इंफॉर्मेशन. डन.
क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है गुड्स बनाना, कुछ का सर्विसेज, कुछ का प्रॉफिट नहीं कमाना, एनजीओ एनपीओ कुछ का प्रॉफिट कमाना, कुछ का होता है बस लोगों को ट्रेन करना, एंड कुछ रिसर्च वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो खाली काम किस लिए करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं चाहिए, खाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। जॉब ऑफ मैनेजमेंट इज टू कोऑर्डिनेट ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड दिस डन थ्रू द सेटिंग अप फीडबैक मैकेनिज्म। द सिस्टम अप्रोच हैज सेवरल एडवांटेज, वन बीइंग दैट इट शोज हाउ चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक में भी कुछ गड़बड़ होती है क्या आगे वाले में दिक्कत आएगी? मशीन या चलाने वाले इंसान है बट मशीन नहीं, दोनों है बट रॉ मटेरियल नहीं, एक में भी गड़बड़ हुई तो पूरे में दिक्कत है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अ क्लियर डिफरेंस मे बी मेड बिटवीन एडमिन एंड मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वे। क्या क्या डिफरेंस आएंगे आपको? इज द एडमिन एंड मैनेजमेंट डिफरेंट थिंग? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट थिंग्स और नॉट? बता सकता है कोई अगर जो यस कर? ये उल्टा, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग, वेयर एज मैनेजमेंट इज इंप्लीमेंटेशन। एडमिन जो होता है वो पॉलिसीज बनाता है और मैनेजमेंट का काम है उसको इंप्लीमेंट करना। फंक्शन ऑफ एडमिन आर लेजिस्लेटिव एंड लार्जली डिटरमिनेटिव और मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग। कैसे सर? एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बना रहा है तो उसके फंक्शन क्या है? लेजिस्लेटिव, रूलर, रूलिंग के। और वेयर एज मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है तो एग्जीक्यूट करने के, एग्जीक्यूटिव है उसके ज्यादा। ब्रॉडली स्पीकिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। ब्रॉडली स्पीकिंग एडमिन इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्योंकि वो पॉलिसी बना रहा है, प्लान ऑर्गेनाइज करना। वेयर इज इंप्लीमेंटेशन? मैनेजमेंट तो उसका काम क्या है? कंट्रोलिंग, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिंग बीसी में ही आएगा, डायरेक्टिंग बीसी में ही आएगा, ठीक है। स्टाफिंग किस में आएगा बता सकते कोई? आएगा बताइए, मैनेजमेंट का पार्ट है स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग वन वर्ड में बताए तो राइट पर्सन एट द, तो ये काम क्या है? एग्जीक्यूशन में होता है। उन्होंने पॉलिसी बना दी, बात कर, फिर आया थर्ड पॉइंट है पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? आप बना रहे हो ना, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट अभी तक किया नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली वर्क क्या है? यू आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग, और या फिर डिवाइड कर रहे हो या बना रहे हो चीजों को। तो चीजों को बनाना कहां पर आता है? एडमिन में। और उन बनी हुई चीजों को एग्जीक्यूट करना वो कहां आता है? मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी इज नॉर्मली कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज पर्सनल बिलो दैट आर चार्ज ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में जाते हैं सारे? एडमिनिस्ट्रेशन, वो पॉलिसीज बनाते हैं। वेयर इज मैनेजर क्या करता है? उनको इंप्लीमेंट करता है। तो मैनेजमेंट किस में आएगा? इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है? नीचे एक डायग्रामेटिक तरीके से बताया हुआ। टॉप मैनेजमेंट के दो पार्ट है, एक है दूसरा मैनेजमेंट, एक बनाता है और एक इंप्लीमेंट करता है। और उसके नीचे क्या है? सुपरवाइजर, एक सबका साथ। There's a basic difference between the two terms. Where the admin is a process of same way repeat होगा. Admin is a process of laying down the broader policies of organization, whereas management is the guidance operation part. Operation part समझते हो? Actual working part. Operation is actual working part. As of today, management is thought of as comprising both process of planning. आज छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होते,
जो स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें अलग नहीं होते हैं, वही आदमी मैनेज कर रहा है और वही आदमी पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी भी वही बना रहा है और इम्प्लीमेंट भी वो सेम ही आदमी इम्प्लीमेंट करता है. इज़ इट क्लियर? डन. द कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हार्डली सर्व्स एनी पर्पस. कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, आई थिंक फिर भी समझ आ गया आपको. In fact, management process is the same in all enterprises at all the level. Management के process throughout the world same है. Management के functions तो सारे same. The above point is clearly borne out by the fact that no two separate set of personnel are required to discharge the administration and managerial person. तो ऊपर वाले comment से ये मिलता है कि दो type के लोग आपको नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को डिस्चार्ज करने के लिए. अ सिंगल पर्सन कैन सर्व दिस पर्पस. एक आदमी भी ये दोनों काम कर सकता. वही चीजें लिखी है कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हायर अगर तो उसमें तो आपको चाहिए, हो सकता है, बट एक भी रहेगा अगर दोनों काम करने के लिए तो चले, हो सकता. नेक्स्ट फिर मैनेजर के रोल क्या है? एक हेनरी मिंट्सबर्ग, ऑथर है हेनरी मिंट्सबर्ग, इसने क्या कहा 1973 में, इसने अपनी एक बुक लॉन्च की नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क. मैनेजर किस तरीके से और किस टाइप का काम करता है, मैनेजर का तरीका है काम करने का. ही सिट इन द एसी रूम, लगता इजी है बट ही सिट इन द रूम एंड प्लान फॉर द वर्क ऑफ कंपनी. ही सिट इन द रूम एंड प्लान फॉर द वर्क ऑफ कंपनी. ही डोंट एग्जीक्यूट. वो खाली क्या करता है, प्लान करता है काम को. ऑपरेशन लेवल पे नहीं करता, प्लान को जरूर एग्जीक्यूट करता है वो, बट ऑपरेशन लेवल पे उस काम को वो नहीं करता. तो अगर देखें, एट द टाइम इट वाज अज्यूम्ड दैट मैनेजर सेट इन हिज कंफर्टेबल ऑफिस थिंकिंग अबाउट कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज. मिंट्सबर्ग डेटा बेस्ड ऑन द टाइम डायरीज ऑफ मेल एग्जीक्यूटिव्स रिवील्ड दैट दिस पिक्चर वॉज नॉट रियल. The executive actually spent very less time on planning. Obviously, executive planning पे spend नहीं करते, वो execution पे, implementation पे. Instead, they answer calls, solve problems, react to crisis, respond to people, and deal with the constant interruptions. Whereas manager interruption के साथ काम नहीं करता, वो long way एक जगह बैठ के planning करता है. और execute जो करते हैं executives, वो क्या करते हैं basically? Interruption के साथ काम करते हैं, challenges के साथ काम करते हैं. Mintzberg said that managerial work was characterized by brevity, variety, and fragmentation. That is, any attempt by manager to stick to task usually fails because of constant interruption of कोई भी काम हो सर, manager क्या कोई भी काम अगर constant interruption रहता है तब उस काम को नहीं कर सकता. Today, managerial work has, if anything, become even more busy and stressful. And more like a life manager, never ending day. The P section around the clock economy and constant juggling. Professor Henry Mintzberg categorized the manager activity into 10 roles they performed over the course of managerial day. Henry Mintzberg ने कितने part में divide किया? 10 में. आगे continue करना लिखने का. पहले उसने क्या कहा? कुछ उसके interpersonal role होते हैं, informational and decisional role. तीन type के role में उसने उसको बांटा broader में. पहला इंटरपर्सनल रोल, दूसरा इंफॉर्मेशनल रोल और तीसरा डिसीजनल रोल. इंटरपर्सनल रोल में क्या बोला गया? इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में. इंटरपर्सनल मतलब, इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, वो एक ऐसा आदमी है जो दो लोगों के बीच में मिलके काम करता है, दो लोगों को मीडिएटर है वो. कौन कौन हो सकता है उसके लिए पड़ोसे?
सबसे पहला इंटरपर्सनल रोल में फिगर हेड, लीडर, लीडर क्या दो लोगों के बीच में काम करता है, मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट, देन लाइजन ऑफिसर का मतलब लाइजन होता है नुमाइंदा, हिंदी में बोलते हैं नुमाइंदा, नुमाइंदा मतलब चुन के आने वाला आदमी, मैनेजर चुन के आने वाला, चुन के आने वाला मतलब वो लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करता है टॉप लेवल के सामने, जैसे अगर मैं कहूं नरेंद्र मोदी इज अ लाइजनिंग ऑफिसर, वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे एमएलए, हमारे जो यहाँ के एमएलए या जो एमपीज होते हैं, एग्जाम्पल एमएलए हम वोट देके चुनते हैं उसे, तो वो हमारा नुमाइंदा है गवर्नमेंट में, वो पार्लियामेंट में जाके हमें रिप्रेजेंट करता है, वो होता है। अब समझ आ गया क्या ये लाइजनिंग ऑफिसर का काम, इसका मैनेजर का काम कौन सा, इंटरपर्सनल रोल में कौन सा आता है, फिगर हेड वही सेम चीज इंटरमीडिएटरी, लीडर मतलब हमारा लीडर बन के एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा लाइजनिंग वो भी रिप्रेजेंट। दूसरा काम है उसका इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल का मतलब कीप ऑन मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, क्या वो हमें मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट को देता है। तीसरा काम है डिसीजनल रोल, क्या वो डिसीजंस लेता है एज अ एंटरप्रेन्योर, कौन सी टेक्निक यूज करो, डिस्टर्बेंस हैंडलर, अगर आपको कोई चीज की परेशानी है बीइंग अ लेबर, मशीन काम नहीं कर रही, कोई आदमी कोई चीज परेशान कर रही है, वो क्या करेगा आपको, आपकी डिस्टर्बेंस को रिमूव करता है। रिसोर्स एलोकेटर, अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए, मैनेजर इज अ पर्सन हु विल प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज, एंड देन नेगोशिएटर, आपके बिहाफ पे मैनेजमेंट के सामने नेगोशिएट कर। देखो फिगर हेड परफॉर्म सिंबॉलिक ड्यूटीज ऑफ लीगल एंड सोशल नेचर, देन आपका लीडर, देन मेंटेन्स नेटवर्क मतलब नुमाइंदा। आगे इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक पर्सन, रीड ऑल दिस, पढ़ो जल्दी से। कोई क्वेश्चन है इसमें? क्लियर? नेक्स्ट, स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, एक इफेक्टिव मैनेजर की स्किल्स क्या होती है, कोई सवाल है किसी को? रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मेजर नेगोशिएशन इफेक्टिंग द मैनेजर्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई सेड दैट अगर आप अपने लेबर के बिहाफ पे मैनेजमेंट के सामने नेगोशिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल छुट्टियां बढ़वानी है, हाफ डे करवाना है, सैलरी बढ़वानी है उनकी, आप नेगोशिएट करते हो, सो इज मैनेजमेंट अगर आपको कोई चीज बताता है मैनेजर को कि ये काम करवाना है, यू नेगोशिएट विद देम, वो टारगेट देते हैं कि 10 दिन में करवाना है आपको ये काम, वो काम होता है 15 दिन में, ही नेगोशिएट इन फ्रंट ऑफ द लेबर, और वो उनको बोलता है कि ओवर टाइम करो, प्रोसेस स्पीड में काम करो, इस तरीके से करो, एंड ही नेगोशिएट द वर्क विद देम कि किस तरीके से और कितना जल्दी काम हो सकता है। नेक्स्ट, स्किल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजर, व्हाट आर द स्किल्स इन्वॉल्व विद द इफेक्टिव मैनेजर, क्या क्या स्किल्स होती है? कैट्स 1974, वो टेक्निकल, कंपनीज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज हु आर गुड मैनेजर, focus individual who have technical skill, human conceptual and motivation to manage, CATS 1974 ने बोला है, but आपको भी यहाँ learn नहीं करना है, इसको बाद में करना है, ability to adopt scientific behavior and next आ जाओ, technical skill, management के पास कौन सी skills होनी चाहिए, manager के पास कौन सी skills होनी चाहिए, सबसे पहले skill आपकी technical skill, technical skills का मतलब क्या होता है, you should know टेक्निकलिटी ऑफ द वर्क, मशीन पे काम कर रहे हो तो मशीन आपको आनी चाहिए चलानी, कंप्यूटर पे या एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो तो कम से कम कंप्यूटर आपको
आना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आर यूजुअली ऑप्टेड बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट मतलब पढ़ाई से आ सकते हैं, ये मे ऑफर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज और मे ऑप्टेन बाय वे ऑफ कॉलेज डिग्री। या तो पढ़ाई करके कर लो ये, या फिर आपकी कंपनीज के अंदर बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार होते हैं, वहां से टेक्निकल नॉलेज ले सकते। ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स आती है कम्युनिकेशन से, बातचीत के तरीके से। तो कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे आपको नेक्स्ट टाइम उनसे बात करने का मन नहीं करे। एंड देयर आर फ्यू पीपल यू फील लाइक टॉकिंग टू देम एवरी टाइम। कुछ लोगों से आपको इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें लगता है कि दे आर गुड स्पीकर्स, वी शुड लिसन टू देम, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। व्हेन एवर ही गिव्स अ स्पीच वी फील लाइक कि हाँ कुछ नया आ रहा है, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। आज से पहले भी बहुत प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बट शायद इतनी लंबी स्पीचेस तो हमने घंटे घंटे डेढ़ घंटे बैठ के सुनी नहीं। ये टाइम निकाल के बैठना, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो शायद कुछ सालों तक तो मैंने 15th अगस्त एक्सेट्रा की ये सेरेमनीज देखी नहीं, बट अभी इस साल उसके ग्लिम्स देखे, मतलब शॉर्ट में उसको देखा, आई सॉ एंड आई सॉ आई ऑब्जर्व मेनी ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड वॉचिंग न्यूज और द टीवी बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। दे वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड कि कुछ तो हमारी कंट्री में हो रहा है, और आज से कुछ सालों पहले क्या हो रहा है कंट्री में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, अपनी लाइफ में मैरिज नहीं हो रही थी, बट अभी आपको लग रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या नई न्यूज आ रही है, वेयर आर वी अपडेटेड, थोड़ा सा हम अपडेट रहते हैं। सो एक ह्यूमन स्किल्स होती है कौन सी, कम्युनिकेशन की, द वे यू टॉक यू मेक फ्रेंड्स। एंड कुछ ऐसे भी थे जो बात ही नहीं करते थे, चुप रहते थे, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को बट चुप रहते थे। और कुछ ऐसे है जो बोलते हैं तो मजाक बन जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए, जैसे अब कम्युनिकेशन करके ही तो आज से पहले भी तो अमेरिका था, या आज से पहले अमेरिका के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रहे नहीं, दो प्रेसिडेंट अमेरिका के, बैरक ओबामा एंड ट्रंप, मोदी के टेन्योर में रहे, चाहे तीसरा आ जाए शायद, ठीक है। बैरक ओबामा वॉज गुड फ्रेंड ऑफ मोदी, द वे यूज टू टॉक टू हिम, हाथ डाल के बात करता था, ठीक है। इवन ही वो सिटिंग इन इंडिया इन द पीएमओ हाउस में जब कॉफी पे आया हुआ था, तो पार्क में ऐसे घूम रहे थे पता नहीं पुराने दोस्तों। एंड सेकेंड इज ट्रंप, हुज ट्रीटेड एज अ काफी रूड बिहेवियर है जिनका, ठीक है। उससे अगर आप रिसेंटली अगर आपने न्यूज देखी हो, रिसेंटली तीन चार दिन पहले की, उसको ऐसे जोर जोर से हाथ मार, ठीक है। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। हमें इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर पता है पहले कैसे बैठ रहे थे, तो उसके सामने ऐसे चुपचाप ऐसे पीछे बैठ रहे थे, ठीक है। आगे आने का तो मतलब ही नहीं था। और अभी आप सिनेरियो देखो क्या है, जब बोला जा रहा है कि आई कैन सॉल्व, मैं कश्मीर के मुद्दे पे मैं बात कर सकता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। अभी G7 जो हमारा हुआ था ना, अभी 7 कंट्रीज का समिट हुआ, उसके अंदर उसमें बोला गया, ट्रंप ने बोला दैट आई कैन सॉल्व द कश्मीर मैटर। वहीं पे नेक्स्ट टर्न में हमारे मोदी जी ने बोला दैट मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, मैं अपना मसला खुद सॉल्व करूँगा। मतलब फ्रेंडली, रूडली, डायरेक्शन, ऑर्डर, धमकी, सब कुछ एक ही में आ गया कि आप चिंता ना करें, कष्ट ना करें, हम कर लेंगे वो काम। बेइज्जती भी साथ में, हिडन बेइज्जती भी, बट आज से पहले हिम्मत है अमेरिका को बोल दो आप, मतलब इंडिया, एशियन कंट्रीज, चाइना छोड़ दो, वो पावरफुल है थोड़े बहुत, एशियन कंट्री अमेरिका को ऐसा जवाब दे रहा है, ठीक है। अमेरिका को बोल रहे कि जरूरत नहीं है मुझे, मतलब ही नहीं था सर, डरते थे आप। ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर एवर यू गो यू मेक फ्रेंड्स। तो 200 साल पुराना मंदिर हमारा अभी रेनोवेट हुआ है, पता है, बैरिंग में, बैरिंग में 200 ईयर्स, 200 साल पुराना, एंड बैरिंग गवर्नमेंट उसको बनवा रही है, 30 करोड़ रुपए लगा, 200 साल पुराना है ना, 200 साल। तो पहले था इसका मतलब वो 10 साल पहले भी था, पहले क्यों नहीं हुआ रेनोवेट, because the way you make relationship with the world, everybody wants to make relationship with you now. There was another UAE mein abhi hame best citizen award mila UAE ka, theek hai, naam chhod do kya kar, kuch hai, theek hai, to best citizen award mila, pehle bhi tha UAE,
पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स बने थे हमारे, ठीक है, बट अभी मिला वो खाली अवार्ड नहीं है, उसके साथ पैसे भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं उसके साथ, करोड़ों रुपए भी मिलते हैं जो हमारे इंडिया में आते हैं, करोड़ों रुपए भी मिलते हैं हमें, ठीक है। जैसे भी रूस ने, रशिया ने भी दिया था ना, उसके उसके साथ 1 करोड़ 1 करोड़ 47 लाख, 1.5 करोड़ रुपया लगभग वो रुपया भी मिला था, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा दैट सिंस इट इज अ प्राइड ऑफ द इंडियन नेशन सो वी वुड लाइक टू एग्जम्प्ट दिस अमाउंट फ्रॉम इनकम टैक्स। रिप्लाई गया उनका नरेंद्र मोदी की तरफ से दैट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट एग्जम्प्ट माई इनकम टैक्स ऑन दिस पार्ट, बिकॉज टैक्स हमारी कंट्री ग्रोथ में यूज होता है एंड आई विश पर्सनली कि मैं कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करूं, प्लीज मेरे इस पैसे पे टैक्स लगाइए और मैं टैक्स देना चाहता हूं, ठीक है। तो दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर, द वे ही टॉक इन्फ्लुएंस पीपल, एंड देर आर अदर पीपल ऑल्सो, वेन वी दे टॉक दे मेक जोक, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, यू माइट बी फॉलोअर ऑफ समवन एल्स एंड आई माइट बी फॉलोअर ऑफ समवन एल्स, तो हमारे ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, बट सच्चाई तो अलग बात है जो ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे दिख रही है अभी। तो कॉम्युनिकेशन, अगर लीडर, ही इज ऑल्सो अवर लीडर, लीडर खाली जरूरी नहीं जॉब पे हो, ही इज आर लीडर, वो हमारे लीडर है, एंड द वे लीडर टॉक ही मेक्स द रिलेशनशिप। जैसे ह्यूमन स्किल्स, आप स्किल्स देखते हैं क्या उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स है, आप एक कोई भी एग्जांपल ले लो, जो भी आपके दिमाग में कोई लीडर है आप उसको सोच के देखो कि क्या उसके पास स्किल्स है, मैनेजरियल स्किल्स है, कैन ही मैनेज द वर्क, ही वर्क्स, दो जो मैं एक एग्जांपल दिया, अगर मैं उनकी बात करूं मैनेजरियल स्किल्स, तो आप देख सकते हो किस तरीके से कश्मीर आया, ठीक है, पता भी नहीं चला, जो ऐसा लग रहा था पता नहीं, वी नेवर थॉट इवन, उस सेकंड में एक नोटिफिकेशन आया कश्मीर हमारा है, बात खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आई आज से कश्मीर हमारा है, फुल स्टॉप, बात खत्म, जिसके ऊपर हजारों लाखों लोग मर गए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, वर्ल्ड का एक मुद्दा बना हुआ था, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व हुआ, मैनेजरियल स्किल, सब कुछ प्लान किया गया, एक दिन का तो काम नहीं है ना ये, सब कुछ प्लान किया गया और बोला गया कश्मीर हमारा है, फुल स्टॉप, बात खत्म, दैट्स अ मैनेजमेंट। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ लीडर्स जिनको आप प्रेज करो, अगर कोई भी लीडर, तो इफ दे आर गुड लीडर दे मस्ट बी हैविंग द टेक्निकल स्किल्स, जैसे ट्विटर, फेसबुक, ये कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे हमारे लीडर्स यूज करते हैं आजकल, क्योंकि वो ट्रेंड बन चुका है, दे शुड हैव अ टेक्निकलिटी, उनको काम करना खुद को आना चाहिए। कुछ ऐसे भी है जो देख देख के लेटर लिखते हैं, ठीक है, जिनको समझ आ रहा है, मतलब मैंने देखी हुई ये चीज है, क्लिप्स मैंने देखे थे कुछ, तो वो बार बार कॉन्डोलेंस लेटर समझते हो ना, मरने के बाद किसी का लेटर लिखते हो आप, जैसे कॉन्डोलेंस लेटर, तो उसको आप चीटिंग कर रहे हो आप नेशनल लेवल पे, ठीक है, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। टेक्निकल स्किल्स, फिर आता है ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो मैंने भी बताया आपको, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट स्किल ऑफ अ ह्यूमन, इट्स अ पर्सनल एसेट्स, वेर एवर यू विल गो यू विल कैरी विद योर सेल्फ, आप घर, मकान, गोल्ड, पैसा सब जगह नहीं ले जा सकते, बट कम्युनिकेशन एक इंसान की पर्सनल एसेट्स है, जहां भी जाओगे आप लेके जाओगे, तो इसको बेस्ट बनाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंसेप्चुअल स्किल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्चुअल स्किल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन दैट रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल इंक्लूड रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉम्पिटिटर चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रिलीजिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट, कंसेप्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईच अदर एंड रिकॉग्नाइज हाउ कंपनी फिट्स इनटू द अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरमेंट, कंसेप्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्डर टू डेवलप आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होता है, बेसिकली आपकी स्टडी की नॉलेज, मतलब बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो नॉलेज, यू मस्ट हैव टू हैव कंसेप्चुअल स्किल्स ऑल्सो टू बी ए गुड लीडर, अगर अच्छा लीडर बनना है तो आपको बुकिश नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस इन्वायरमेंट में, किस सिचुएशन में, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना और क्या एक्शन लेना है। क्लियर। ओके डन, दीज आर योर मैनेजीरियल एबिलिटीज। फिर आता है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट,
एक लाइन और लिखी हुई है वो भी मायने रखती है, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हर एक मैनेजमेंट के लेवल पे अलग होती है. टेक्निकल नॉलेज, किसी आदमी को कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है, किसी को रिक्वायर्ड नहीं है. डॉक्टर को इतना ज्यादा कंप्यूटर नहीं चाहिए, उसको बेसिकली अपने लेवल का चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सोनोग्राफी, MRI, ये भी एक टेक्निकल है. हमारा टेक्निकल आस्पेक्ट अलग है. हमें रिटर्न फाइल करने के लिए चाहिए कि MCQ की वेबसाइट के ऊपर रिटर्न कैसे फाइल होती है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऐप बनाने के लिए चाहिए, वो डिफर करती है. ठीक है, ह्यूमन स्किल्स हर किसी के अलग है. आई डोंट हैव एनी कस्टमर इंटरेक्शन. मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, बैकएंड में काम करता हूं, मेरा कस्टमर इंटरेक्शन है ही नहीं. तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ज्यादा फर्क. बट अगर मैं हूं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, और मैं इतना रूड हूं, डू यू थिंक एनीबडी विल कम एंड टॉक टू मी? क्या मैं डेली बेसिस पर थप्पड़े खा के जा रहा हूं? सर कस्टमर, कितने कस्टमर सुनेंगे आपसे? कितने कस्टमर सुनेंगे आप? एक दो कस्टमर से रूड हो जाओ, कोई ना कोई तो दिन में ऐसा पक्का आएगा जो आपको शायद पीट के जाए. पक्का ना, ये हमारे साथ होता है. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना देने जा रहे हो, और कोई भी रेस्टोरेंट में अगर काउंटर पे या कहीं पर भी कोई आपसे बहुत रूड है, ठीक है, अगर आप शांत हो तो ठीक है, ओके फाइन, आप उसको इतना बोल के निकल जाओगे ये क्या तरीका आपका बात करने का. बट अगर थोड़े से अगर आप हो तो आप उसके बाल पकड़ के उसको दो तीन मार के और फिर कहोगे आप रूड हो, आप बता कैसे होता है. तो कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता है, कहीं मैटर करता है और कहीं मैटर नहीं करता. अगर आप बैकएंड में रूड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, योर कलीग्स माइट नॉट टॉक टू यू. मैक्सिमम ऐसे होगा आपके कलीग्स आपसे बात नहीं करेंगे, तो ओके. एल्स कंसेप्चुअल स्किल्स, बुकिश नॉलेज हर जगह जरूरत, हर जगह अलग लेवल का होता है. अगर आप सीनियर डॉक्टर हो सर्जरी, तो आपको सर्जरी वाली. MBBS हो तो लोअर लेवल. अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो अलग, CA हो तो अलग बुकिश नॉलेज चाहिए आपको, LLB हो तो अलग चाहिए आपको, MBA हो तो अलग बुकिश नॉलेज चाहिए आपको. तो हर एक लेवल पे, मैनेजर के हर एक लेवल पे, अगर आप सुपरवाइजर हो तो अलग चाहिए, मैनेजर अलग, टॉप मैनेजमेंट को अलग चाहिए. लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द पोजेसिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्शन स्किल्स. आपके लेवल पे डिपेंड करता है ये. टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू हैव अ conceptual skills that let them view the organization as a whole and recognize how the company is affected the company. So top level wale, acha kya company mein leader ek se zyada ho sakte hain? Anyone with no wale bata do mere ko. No, ek se zyada leader nahi hote, ek se zyada leader nahi hote desh mein. Sir, ghar ghar mein neta hai, har jagah leader bana hua na. क्लास में एक से ज्यादा लीडर हो सकते हैं ना, है ना? हाँ, और क्या, और देश में है, वर्ल्ड में है, कंपनी में भी एक से ज्यादा लीडर है. एक तो टॉप मैनेजमेंट, मैनेजर मतलब लीडर के फॉलोअर अलग हो गए. फिर जैसे लेबर का लीडर हो गया अलग, लेबर का हेड होता है जो, जिसको अपने ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा टाइप. फिर उसके बाद आता है लेबर के ऊपर मैनेजर, ठीक है. तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं, उन सारे मैनेजर्स का एक सीनियर मैनेजर है. तो पांच छह सीनियर मैनेजर्स हैं जो अलग अलग टीम, तो सबके लीडर है. उन पांच छह सीनियर मैनेजर का ऊपर एक वाइस प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और उसके ऊपर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और उनके ऊपर भी शायद फाइनेंसर, कंपनी को पैसा देने. स्कूल के अंदर होता है आपका, बेस्ट एग्जाम्पल प्रिंसिपल स्कूल का लीडर, उसके नीचे आपके क्लास का लीडर टीचर, तो उसके नीचे स्टूडेंट का लीडर, देर आर, हाँ मॉनिटर देर आर, और फिर आपके स्मॉल ग्रुप्स के लीडर, ठीक है. तो देर आर डिफरेंट लीडर्स, एंड एवरी लीडर कॉन्सेप्ट इज एवरी लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्किल. हर एक लीडर की स्किल्स अलग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ये बोला जा रहा है. इसलिए मैं क्या बोला, that every leader might have a different type of knowledge, different type of conceptual skill. And notes बना लेना, किताब देख के बाद में ये बातें याद नहीं आएगी. जो मैं ये लाइन समझा रहा हूँ ये बातें याद नहीं आएगी. If you want, I can close the screen, अगर आपको अच्छी ज्यादा लग रही है ये, ठीक है.
नोट्स बनाओ, पेन कॉपी यूज करते रहो, जितने एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं वो लिखो। क्यों आपको कंसेप्चुअल स्किल्स हर लीडर के अलग क्यों चाहिए? लेकिन आज स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर स्कूल लीडर इज डिफरेंट, क्लास लीडर इज डिफरेंट, स्टूडेंट लीडर इज डिफरेंट, तो इन सबकी नॉलेज अलग अलग है। नेक्स्ट आता है नोट, साथ साथ में बनते रहते रहिए, सुनो। भगवान ने हाथों के अंदर कान नहीं दिए ना, ये कानों के अंदर हाथ ऐसा नहीं है ना, दो अलग अलग पार्ट है और एक टाइम पे दोनों चल सकते हैं ना, तो कानों से सुनो और हाथों से लिखो, ठीक है? सुनिए, सुपरवाइजर एंड टीम लीडर नीड टेक्निकल स्किल्स टू मैनेज इंप्लॉइज हु मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्व कस्टमर्स, ट्रेन इंप्लॉइज एंड हेल्प द इंप्लॉइज सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सिंपली वही चीज दोबारा बोली गई है, सुपरवाइजर एंड टीम लीडर नीड टू टेक्निकल स्किल्स। अगर मुझे खुद को काम करना नहीं आता, इफ आई डोंट नो हाउ टू वर्क, डू यू थिंक आई कैन गेट द वर्क डन? एक फेमस सेइंग है, इफ यू वांट टू गेट द थिंग्स डन यू शुड नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन। अगर आपको काम करवाना है तो आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है? अगर मुझे आता ही नहीं है मैं करवाऊंगा कैसे? क्योंकि यू माइट से कि सर हो नहीं रहा काम, आप शायद बहाना लगा रहे, तो मैं बीच में क्या कहूंगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, होगा आपका काम, ठीक है? गाइडेंस रहेगी ना टाइम टू टाइम आपकी। आगे मैनेजमेंट कमिटीज, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, डेवलपिंग हाई कॉम्पिटेंट मैनेजर इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डेवलपिंग ट्रेडमार्क ट्रेड और वर्क स्किल्स। डेवलपिंग कॉम्पिटेंट मैनेजर, कॉम्पिटेंट मैनेजर का मतलब होता है सूटेबल। एक अच्छा मैनेजर डेवलप करना और बनाना या हायर करना मुश्किल होता है, ठीक है? फर्स्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट स्किल्स आर बिहेवियर, दे आर नॉट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजर्स आर नॉट बॉर्न, दे लर्न ऑन द जॉब, देयर बिहेवियर कैन अंडरगो चेंज, ठीक है? लेट मी शेयर फ्यू इंसिडेंट्स विद यू। आई हैव वर्क विद फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जॉब किया लाइफ में और इनिशियल करियर ऑफ माइन, and I used to be a senior manager. I worked as senior manager as well. I worked with the banking industry also. So usme what I learned over there on the job, kya learning ki maine, learning ye thi ki agar aap ek acha communication karte ho, if you talk nicely you will have a follower, if you are rude with your junior, jo sabse badi galti hum karte hain, hamare niche team hai to unko naukar samajhte hain, we don't talk nicely with them, मतलब उनको बोलते काम करके दे, करना पड़ेगा, पैसे इसलिए मिलते हैं तुम्हें, बार बार एक वर्ड आता है। How I am judging it, because when I was senior manager, there was also another senior manager, एक और भी senior manager थे, मेरे ही corporate office में काम करते थे, that fellow was aged, he was retired from Punjab National Bank, वहां से retire होके उन्होंने वहां job join की थी, and he was my colleague, same level पे हम दोनों। एक तो उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा थी, कि थोड़ा एक एज की वजह से उनका एटीट्यूड अलग था उम्र की वजह से, एंड सिंस ही वाज फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब तो इनका एक एटीट्यूड थोड़ा और अलग था काम करने का। हम कहां से आए थे, हम प्रेशर एमबीए करके गए थे, तो एक हमारा एटीट्यूड काम करने का अलग था, क्योंकि इंडस्ट्री में एटीट्यूड तब आ जाता जब आपको गवर्नमेंट जॉब में सब पता क्या करते हैं, ओके सर, ओके ऐसे वाले होते, प्लीज सर प्लीज काम कर, प्लीज वाले ज्यादा होते, कस्टमर आता प्लीज वाले, और आप अपने जूनियर्स पे ऑर्डर झाड़ते हो और जूनियर्स आपको सलूट मारते हैं, मतलब बॉस एंड सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। आपको बॉस को जाके प्रमोशन के लिए करना पड़ता है, क्योंकि प्रमोशन बेसिकली इस बेसिस पे ज्यादा होता है और टैलेंट बेसिस पे थोड़ा सा कम होता है वहां पर, तो वो सेम एटीट्यूड वहां था। दैट फेलो यूज्ड टू बी वेरी रूड विद द जूनियर्स, रूड ऐसा नहीं कि वो उनको गालियां दे रहे हैं, थप्पड़े मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। रूडनेस वॉज इन द कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप थोड़ी सी देर लेट हो तो आपके सामने ऐसा ना, ये कोई टाइम आने का, ये कोई टाइम है, दिस इज नॉट अ टाइट टाइम, आपका हाफ डे लगेगा, ठीक है? वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है सर हाफ डे मत लगाइए, आपका हाफ डे लगेगा, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, प्लीज कम एट 1 o'clock, ठीक है? अब ऑब्वियसली बंदा क्यों जाएगा, काम तो उसको वन से ले, काम तो उसी को उतना करना है जो उसको एलोकेट है, वो बैठ जाता है पर उसका पैसा कट गया, ठीक है? मेरा बिहेवियर कहा था, मैं खुद ही लेट जाता था, प्रेशर था, मैं दैट टाइम एज काफी कम थी तो मैं खुद ही लेट जाता था,
मेरी टीम उससे पहले आई भी होती थी और लेट भी आती तो मैं कभी कुछ कहता नहीं था क्योंकि मैं खुद भी लेट होता था। तो मैंने अभी क्या बोला कि पहले खुद को आना चाहिए फिर दूसरों से करवाओ आप, ठीक है? तो क्योंकि मैं भी कई बार लेट होता था तो उनको कुछ नहीं कहता, बट हाँ एक लेवल से ज्यादा ही होते थे तो एक बोलना पड़ता है, बट एक पहली दूसरी बार में कुछ नहीं कि ठीक है ओके फाइन काम करके जाना है पूरा, लेट आए हो कोई इश्यूज नहीं है, पनिशमेंट आपकी यही है खाली कि काम पूरा करके जाना। तो जेन्युइन जो होता था लेट वो कहता था ओके सर ठीक है मैं आज एक घंटा लेट आया तो मुझे काम पूरा करके जाऊंगा, तो ओके वो देवर हैप्पी। बॉस मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होता था, कैसे कि अगर आप बॉस हो तो वो बॉस जो था वो अकेला दैट फेलो वो अकेला बैठ के खाना खाता था, मतलब अलग से, और जो भी सबोर्डिनेट्स होते थे उनसे किसी को बोलता था पानी का ग्लास पकड़ा देना, ठीक है मेरा लंच जो है ना वहाँ गर्म करवा के रखवा देना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होता है लंच गर्म करवा के रखवा देना ये सब चलता है, ठीक है। मेरा बिहेवियर कैसा था कि जो टीम होती थी उसके साथ बैठ के खाना खाता, ठीक है? तो दे यूज टू फील दैट बिलोंगिंगनेस कि ये हमारे साथ का एक आदमी है, दे वर फ्री टू टॉक टू मी ऑन एनी मैटर। डेफिनेटली मिसबिहेवियर आप किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक अपना एक प्रेस्टी एक अपना स्टेटस बना के रखो कि कोई भी आदमी आपसे गलत तरीके से बात ना करे, बट हाँ एटीट्यूड भी मत रखो कि दे डोंट फील फ्री टू टॉक टू यू, मेक देम दैट लेवल कंफर्टेबल दैट दे कैन कम एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद यू, बिकॉज जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेगी यू कैन नॉट वर्क ऑन दोस पे। जब तक आपको अपने जूनियर्स की प्रॉब्लम और अगर वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में रहेंगे, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ जब आप जॉब करोगे, अगर वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में रहेंगे तो सर्टेनली देट विल क्रिएट अ फस और वो फिर ब्लास्ट होती है, तो क्यों ना उनसे कॉन्टेक्ट में रहो। एंड वो भाई साहब तो बात करते नहीं थे, वो फस क्रिएट करते थे, उनकी टीम इतनी अच्छी थी क्रिएट करने वाली थी नहीं, एंड दैट टीम वॉज क्लोज टू मी, रीजन क्योंकि मैं जब खाना खाता था तो वो भी होते थे, तो वी यूज टू टॉक विद ईच अदर। सबसे बड़ी चीज अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलो कभी, चाहे आप जूनियर हो चाहे आप सीनियर हो, डोंट अटर अ सिंगल नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव किसी के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नेगेटिविटी है बोल रहे कुछ सामने जाके बोलो। सबसे गंदी हैबिट ह्यूमन बिहेवियर, हमें पता नहीं चलता एंड वी स्लोली डेवलप दिस हैबिट दैट वी स्टार्ट, जिसको बैक बाइटिंग बोलते हैं पीछे से बोलना, ये आपकी इतनी गंदी हैबिट हमारी बन जाती है कि धीरे 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 इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो क्या बन जाता है आपकी पॉलिटिक्स का पार्ट बनने लग जाता है एंड यू बिकम नेगेटिव। आपका ध्यान अपने गोल से हटके धीरे 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 इन चीजों पे ज्यादा आ जाता है कि मेरा गोल था कंपनी के अंदर सक्सेस का प्रमोशन का, उस वक्त मेरा कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन किस पे था, प्रोडक्टिविटी पे, कि एक दिन में काम करूं स्टार परफॉर्मर बनूं, बट धीरे 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 मैंने अपना जो अचीवमेंट है वो वर्क परफॉर्मेंस से हटा के किस पे कर दिया कि इसको गिराऊंगा तो आगे बढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू कॉम्पिटिटर मिस्टर एक्स एंड मी, मेरे को आगे बढ़ने तो दो तरीके हैं, मैंने आपको हमेशा से यही बताया, या तो मैं अच्छा परफॉर्म कर दूं या उसका बुरा कर दूं, दो तरीके हैं, या तो मैं अच्छा परफॉर्म करूं या उसको बुरा कर डिक्लेयर करवा दूं। तो एक तरीका है कि मैं अच्छा परफॉर्म करता रहूं, और धीरे 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 हम धीरे धीरे ह्यूमन बिहेवियर है ये करते हैं, वी स्टार्ट डाइवर्टिंग धीरे धीरे कि वो बुरा है वो बुरा है वो बुरा है वो बुरा है, आपका कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन जो यहां 100 था वहां 0 था, एट अ डे यहां आपका 0 या 10-20 रह जाता और वहां पर आपका 70-80 पहुंच जाता है, एंड आपका दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन किसमें, इधर की उधर की इधर में आ जाता है, एंड आपकी नॉलेज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स वर्क परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी है वो क्या हुई है नीचे। सर्टेनली अप टू सर्टेन लेवल यू मे गेट अ प्रमोशन, आप चापलूसी से और बुराइयां करके किसी की थोड़ा सा प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है, मतलब आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन जाओगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में कंपनी को खाली वो लोग चाहिए होते हैं जो काम करते हैं, लेबर जो होती है उनको हायर कर लिया जाता है ऐसे ही, उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे जैसे आप ऊपर लेवल पे हायरार्की में जाते हो वैसे वैसे मैंने क्या कहा था, एबिलिटी काम आती है आपकी, एबिलिटी में आप क्या लिखोगे रिज्यूम में, सर मैं चुगलियां करने में नंबर वन हूं, कैन यू राइट इन योर रिज्यूम। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, जब हायर लेवल इंटरव्यूज होते हैं, क्या आप बोलेंगे आप वहां पर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो हमारी जीरो चली गई है वहां पर, नॉलेज तो जीरो हो गई है हमारी अब यहाँ पर, क्योंकि
आपने जो 10 दिन पहले पढ़ा वो भी अभी हमें ठीक से याद नहीं रहता है, तो किसी चीज को आप कंटिन्यू बेसिस पे नहीं करोगे तो धीरे धीरे भूल जाओगे। हम कंटिन्यू बेसिस पे करते क्या थे, बैकबाइटिंग, चुगलियां, तो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट किस में हुई है, उन चीजों में। धीरे 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 आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप देखते हो जब आप फ्रेशर जॉब देते हो तो आपकी हायरिंग ईजी होती है, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो एंड देन यू इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम। ट्रस्ट मी इन अ कंपनी मोस्ट ऑफ द, अब आप जवाब क्या आता है जब मैं ऐसे सेमिनार में बता रहा हूँ, जवाब आता है कि सर सब करते हैं तो हमारी नीड है ये करने की, मतलब क्योंकि सर पूरे लोग ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, हर कोई कर रहा होता है मोस्टली पॉलिटिक्स प्रमोशन के लिए, तो मुझे भी करना पार्ट बन जाते हैं, ना चाहते भी जरूरत हो जाती है, पढ़ हो जाता है। मेरे बारे में कोई बोल रहा है कब तक चुप रहूंगा, ठीक है। एक कंपनी के अंदर कितने बॉस होते हैं, एक, बाकी सारे सबोर्डिनेट एंड ऑलवेज स्टे आउट ऑफ क्राउड, सब कर रहे हैं वो काम नहीं कर, सब कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग करो तभी आप नजर में आओगे, समझ आया सर। जो बॉस बैठा है ना आपका प्रमोशन देने के लिए उसको सब दिखता है, वो बॉस इस लाइफ से निकल के गया है, जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं उस लाइफ में आपका सीनियर जो वो निकल चुका है ना, वो भी शायद चापलूसी करके ही बनाओ, आप उसकी चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, उसको सब पता है, उसको सब दिखता है, वो शायद आपको थोड़ा सा आगे कर दे बट वो अपनी कंपनी को कभी नहीं डुबाएगा, पैसा सबसे बड़ी चीज है उसके लिए, बिजनेस कर रहा है वो अपनी कंपनी को कभी नहीं डुबाएगा, वो उस आदमी को कभी भी नहीं जाने देगा जो काम करता है। आप अपना बिजनेस अपने फादर का बिजनेस सोच लो, चाहे कोई भी काम करते हैं आपके फादर या मदर, उनके बिजनेस में अगर कोई ऐसा आदमी जो प्रोडक्टिविटी अच्छी करते हैं तो उसकी चार बात भी सुनते हैं वो, उसको वो लूज नहीं करना चाहते कभी, बट चापलूस की क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी सी, अगेन डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, सप्लाई किसकी ज्यादा है, चापलूसों की, ठीक है, डिमांड किनकी ज्यादा है, काम वालों की, सप्लाई किनकी कम है, काम करने वाले एक्चुअल परफॉर्मेंस वालों की ना, जो बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। योर फोकस शुड बी ऑन वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर गोइंग अराउंड यू इन द एट द टाइम ऑफ जॉब, जॉब के वक्त आपका फोकस काम पे होना चाहिए, एंड सूनर और लेटर शायद शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस ना मिले इसकी वजह से, सर्टेनली नहीं मिलेगी, आई कैन अश्योर यू शॉर्ट टर्म में आपको काम की वजह से सक्सेस नहीं मिलती, बट ट्रस्ट मी बी कंसिस्टेंट टू दैट You will get a success. ये मिलता है आपको. And so is here. First level पे क्या होता है आपका behavior देखो. Managerial की management की competencies सबसे पहले कहाँ देखी जाती है? Communication पे. The way you talk. सबसे best क्या होना चाहिए आपका? Communication. दूसरा second people can develop and improve their management and skills through the practice. किस तरीके से कर सकते हो? क्योंकि you are not born manager. You practice it. You do it every day and then you become good manager. और हम कौन से practice करते हैं? Daily चुगली के. तो हम बेस्ट किस में होंगे उसमें, बट अगर डेली मैनेजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हम किस में जाएंगे अच्छे, मैनेजर अच्छे बनेंगे। थर्ड, मैनेजमेंट स्किल्स आर इंटररिलेटेड एंड ओवरलैपिंग, दैट इज इन अदर वर्ड्स दे नीड कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, इन अदर वर्ड्स दे नीड कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। दिस चैप्टर लुक्ड एट द एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस रोल स्किल्स एंड द अदर, आगे के चैप्टर्स और भी होंगे जिसमें मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ओवरलैपिंग होती है मतलब एक से ज्यादा दूसरी, दूसरे से ज्यादा तीसरी, हर स्किल्स को ओवरलैप किया जा रहा है, तो सारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे प्लानिंग में बोलते हैं प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे प्लानिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, दोनों स्किल्स ही ओवरलैप कर रही, अच्छी दोनों होनी चाहिए। फॉर सम ऑफ दीज मैनेजमेंट स्किल्स मे बी कंफ्लिक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव मैनेजर मे बी रिक्वायर्ड टू बोथ पार्टिसिपेटिव, दैट इज असिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टिव, दोनों होनी चाहिए, असिस्ट भी करे और डायरेक्ट भी दे, डायरेक्शन दोगे तो बुरे बनोगे, असिस्ट करोगे तो हेल्प करोगे तो अच्छे है, ऑर्डर दोगे तो बुरे हैं, बैलेंस होना चाहिए, जहां डायरेक्शन की जरूरत है डायरेक्शन दो, जहां हेल्प की जरूरत हो हेल्प करो, मतलब डोंट बिहेव लाइक अ छोटू, इतना नीचे नहीं गिरना कि आपके ऊपर पैर रख के आगे बढ़े हो, मतलब आपकी पीठ को पायदान बना दे, वो भी नहीं करना है, और इतना बुरा भी नहीं बनना है कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि दे डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग टू यू, दे वांट देयर बॉस टू बी डिफरेंट, आपकी वजह से वो जॉब छोड़ रहे हैं या फिर जब आप जा रहे हो तो वो पार्टी कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस होना चाहिए कि आप डायरेक्शन भी ठीक से दे रहे हो और असिस्ट भी ठीक से कर रहे हो, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
व्हाट आर द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर. सबसे पहला प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द फर्म. एग्री, मैनेजर का काम है डायरेक्शन देना. दूसरा मेंटेनिंग सर्वाइवल. क्या लीडर और मैनेजर का काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल मतलब मेंटेन रखना. मेंटेनिंग फर्म्स एफिशिएंसी. पढ़ा था लास्ट क्लास में एफिशिएंसी एंड एफिकेसी का डिफरेंस. एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, काम को थोड़ा सा फास्ट रखना एंड आउटपुट थोड़े से ज्यादा होना. देन मीटिंग द कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस. मतलब सामने वाला बन के एक बार तैयार नहीं हो रहा है, सामने वाला और क्या कर रहा है उसके लिए. मतलब आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है आपके अगेंस्ट, उसके लिए हमेशा रेडी रहना है. इनोवेशन पता है क्या होता है, मतलब कुछ नया करना. और रिन्यूअल. मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल. रिन्यूइंग हैज टू बी डन विद द प्रोवाइडिंग न्यू प्रोसेस एंड रिसोर्सेज. एक बार प्रोसेस डाल के छोड़ देना नहीं, कीप ऑन रिन्यूइंग दैट. एक बार मोटिवेट कर दिया नहीं, महीना 10 दिन 15 दिन एज एंड व्हेन यू नीड मोटिवेट देम. बात करो उनसे, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए वो नए प्रोवाइड करो, जो उनको कोई नई पॉलिसीज चाहिए जो आपने पॉलिसीज बनाई है, कीप ऑन रिन्यूइंग देम. नए नए बनाते रहो सो दैट बेटर आता जाएगा. बिल्डिंग मैनेजर का एक होना है ये, बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप होना चाहिए उसके अंदर. एंड देन लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. एंड देन चेंज मैनेजमेंट. चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर हैज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ चेंज एजेंट. इट्स अ मेजर टास्क टू इंश्योर दैट अ चेंज इज इंट्रोड्यूस एंड इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्मूथर मैनर. मतलब बदलाव झटके में नहीं आता, आज से ये बात खत्म, ऐसा नहीं होता है. चेंज शुड कम स्लोली सो दैट यू कैन एक्सेप्ट इट. अगर अचानक से बोल दिया जाता है वी स्टार्ट रेजिंग वॉइस. चेंज पार्ट्स में आना चाहिए, चार 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 ऐसे, और या फिर स्लोली धीरे धीरे. कुछ भी बदलाव करने कंट्री में आपको थोड़ा स्लो करो, धीरे धीरे करो. अचानक से सब कुछ करके रख दोगे आप, डेफिनेटली पीपल विल रेज वॉइस अगेंस्ट दैट. तो पार्ट्स में आने चाहिए चेंजेस. सेलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यू शुड बी मोर डिपेंडेंट, मोर यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में अगर अच्छा लीडर बनना है तो. ठीक है, तो आज की क्लास तो खत्म हो गई आपकी. पहले आप अभी जाना नहीं है क्योंकि टाइम काफी है हमारे पास, अभी 15 मिनट. रीड दिस चैप्टर, पहले पूरा पढ़ो एंड एक बार पॉइंट्स को लर्न कर लो, और नोट्स जिन्होंने नहीं बनाए नोट्स बना लो. 15 मिनट लगा के काम करो.